सनातन धर्म के अनुसार देवों में सबसे पहले पूजा देव गणेश की होती है। हर वर्ष गणपति बप्पा का आगमन बड़े हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते बप्पा आगमन के कार्यक्रम थोड़े फीके रहने वाले हैं। सनातन धर्म में गणपति का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम सब उन्हें विघ्नकर्ता के नाम से पुकारते हैं। इस वीडियो में हम आपको गणपति स्थापना के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र एवं क्या ना करें की जानकारी देंगे। गणपति बप्पा का आगमन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को होता है, यानी कि इस बार यह त्योहार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। 10 दिन चलने वाले इस त्योहार पर गणपति की स्थापना और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 21 अगस्त की रात 11:02 से लेकर चतुर्थी तिथि समाप्ति 22 अगस्त की शाम 7:56 तक गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त है। चूंकि भगवान गणेश का आगमन दोपहर में हुआ था, इसलिए 22 अगस्त को प्रातः 10:46 से लेकर दोपहर 1:57 तक करीब 3 घंटे का समय गणपति स्थापना के लिए उत्तम है। गणेश जी को चावल, सिंदूर, केसर, हल्दी, चंदन, मौली और लौंग अवश्य चढ़ाएं। गणेश पूजा में दूर्वा का बड़ा महत्व है, इसके बिना गणेश पूजा पूरी नहीं होती। गणेश जी को दक्षिणा अर्पित कर 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश जी के पास 5 लड्डू रखकर बाकी प्रसाद में बांट दें। घर में गणेश जी की स्थापना हो रही है तो इस बात को ध्यान रखें कि गणपति की पूजा सुबह शाम दोनों हो। गणेश जी की कथा और गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें, साथ ही ओम गण गणपतये नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। गणेश चतुर्थी की रात में चंद्रमा के दर्शन न करें। इस रात्रि में चंद्रमा का दर्शन शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा दर्शन करने से मिथ्या कलंक लग सकता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी।